नमस्कार मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की लोक देवियां, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नारायणी माता। कौन सी? नारायणी माता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जन्म के बारे में। तो इनका जन्म कब मिलता है? तो इनका जन्म मिलता है दोस्तों, जन्म इनका 949 ईस्वी। कितनी? 949 ईस्वी। और इनके पिता का नाम की हम बात करें, इनके आधार कार्ड की हम बात करें, तो पिता का नाम था विजय राम। क्या था? विजय राम। ठीक है दोस्तों। और हम इनकी माता की बात करें तो माता कौन थी? रामवती। माता कौन थी? रामवती। ठीक है दोस्तों। और पति कौन था? पति था करमवसी। कौन था? करमवसी। और मंदिर की हम बात करेंगे, करमवसी की कहानी आती है, वो कहानी में भी आपको बता दूंगा। ठीक है। और बचपन का नाम की बात करें, बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम हमको मिलता है करमत्ती बाई। क्या मिलता है? करमत्ती बाई। और मंदिर की हम बात करें, इनका मंदिर, मंदिर की हम इनकी बात करें तो मंदिर पड़ता है बेरवा डूंगरी पहाड़ी। ये बेरवा डूंगरी, वह ये कौन से जिले में? बेरवा डूंगरी पहाड़ी है, ये पड़ता है राजगढ़ तहसील अलवर में। कहां पड़ता है? राजगढ़ तहसील अलवर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों। अब इसकी कहानी क्या आती है? नारायणी माता की कहानी क्या आती है? ठीक है, करमवसी की कहानी क्या है? इनके पति, एक चीज पहले आप ये ध्यान कर लो कि ये नाइयों की कुलदेवी। किन की कुलदेवी है? नाइयों की कुलदेवी। नाई होते हैं ना, उनकी कुलदेवी है ये। ठीक है दोस्तों। कहानी क्या है इनका? कहानी ये आती है कि करमवती बाई और इनका पति करमवसी, या नारायणी माता बोल दो या करमवसी, करमवसी और नारायणी माता दोनों एक बार जंगल से, जंगल ग्रस्त अपने गंतव्य स्थान या अपने घर की तरफ जा रहे थे, जा रहे थे। दोपहर का समय था और दोनों ने सोचा कहीं विश्राम कर ले, और पेड़ के नीचे दोनों ने विश्राम किया। फिर शाम का समय हुआ और नारायणी माता उठी और बोली कि सुनो के बोलो कि चला। उसने बोला नहीं था, बोला चले, लेकिन दो तीन बार उसने सुनो सुनो कहने के बाद उस वो नहीं बोले। तो उनको पता चला कि इनके पति को, करमवसी को क्या हो गया? सांप ने काट लिया। क्या होया? सांप ने काट लिया। ठीक है, करमवसी को सांप ने काट दिया और उनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो वो उनको जलाने के लिए वहां पे उस जंगल में क्या ढूंढ रही थी? लकड़ियां ढूंढ रही थी, सूखी लकड़ियां होती है ना, वो ढूंढ रही थी। तो सूखी लकड़ियां ढूंढ रही थी, वहां पे कुछ मीणाओं के लड़के खेल रहे थे या वहां घूम रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये लकड़ियां ढूंढ रही है, तो उन्होंने, नारायणी माता ने कहा कि मेरी मदद करो लकड़ियां ढूंढने में, सूखी लकड़ियां बटोरने में। तो मीणाओं के लड़कों ने उनकी सहायता की थी। ठीक है, किसमें? लकड़ियां बटोरने में, लकड़ियां इकट्ठी करने में। ठीक है, उसको जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे और खुद भी वहां पे सती होने के लिए लकड़ियां क्या इकट्ठी कर रही थी, खुद के लिए भी और अपने पति के लिए भी लकड़ियां क्या कर रही थी? इकट्ठी कर रही थी सती होने होने बाद। ठीक है, सती होने के लिए उसको जलाया सूखी लकड़ियों से और खुद भी सती होने लगी। ठीक है, सती होने लगी। क्या है? सती होने से पहले उन्होंने मीणाओं के लड़कों से कहा कि आपकी अगर कोई समस्या हो तो मुझे बता दो। और ऐसा मानते हैं कि सती होने से पहले जो समस्या होती है और उसको बताते हैं, और अगर वो बोल दे कि ये समस्या ऐसे मिट जाएगी तो उन्होंने क्या समस्या बताई? उन्होंने समस्या बताई कि यहां पानी की समस्या, हम खेलने आते हैं यहां पे तो पानी नहीं मिलता दूर दूर तक,
क्या क्रिकेट वगैरह खेलते तो हमारे भी पानी की समस्या रहती थी बचपन में, तो उन्होंने कहा पानी की समस्या, तो उस लड़के को कहा कि यहां से चल और पीछे की तरफ मत देखना, ठीक है। तो वहां से वो चल दिया लड़का और थोड़ी दूर जाके पीछे की तरफ देख लिया, तो जहां तक वो चला था वहां तो एक झरना टाइप का बन गया और वहां पानी निकलने लगा, ठीक है। और आज भी ऐसा मानते हैं कि वहां पानी निकलता और पानी की समस्या दूर हो गई, ठीक है दोस्तों। वो थोड़ी दूर जाके पीछे देख लिया और जहां तक नहीं देखा वहां तो पानी निकल गया। तो मीणा जाति नहीं होगी कुलदेवी है, और मीणा जाति के लड़के इनको लकड़ियां बटोरने में लगे थे और उनको पानी की समस्या का समाधान किया था। तो मीणा और नाइयों के इनके चंडावे को लेकर क्या है, विवाद चल रहा है, किनके, नाइयों के और मीणाओं के विवाद चल रहा है चंडावे को लेकर। हाईकोर्ट में भी इसका मैटर गया है, ठीक है। तो हाईकोर्ट ने क्या बोला, हाईकोर्ट ने बोला कि 6 महीने तो इसकी पूजा कौन करेंगे, मीणा करेंगे, और 6 महीने पूजा कौन करेंगे ऐसा बताते हैं, मीणा करेंगे और 6 महीने कौन करेंगे इनकी पूजा, नाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहां तक आई बात समझ में। अब हम इनके मेले की बात करें, किनके, नारायणी माता का मेला कब भरता है, तो नारायणी माता का मेला भरता है दोस्तों वैशाख शुक्ल एकादशी को। मेला कब भरता है, वैशाख शुक्ल एकादशी को, कब भरता है, वैशाख शुक्ल एकादशी को नारायणी माता का मेला भरता है, ठीक है दोस्तों। एक बार रिपीट करो, ध्यान देना, क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान की लोक देवी पढ़ रहे हैं नारायणी माता, जन्म 1949। अगर आपको विक्रम संवत निकालना है तो +57 कर दो इसमें, ठीक है, विक्रम संवत इसका निकल के आ जाएगा। पिता विजयराम, माता रामवती, पति करमवसी, जिसकी कहानी इसके पीछे सत्य हुई थी, नारायणी माता, बचपन का नाम करमवती भाई, मंदिर बेरवा डोंगरी पहाड़ी राजगढ़ तहसील अलवर में इनका मंदिर है, नाइयों की कुल देवी है, विवाह चल रहा है नाइयों के मीणाओं के, क्योंकि मीणाओं के पानी की समस्या बैठी थी लड़कों के, और वो विवाद हाईकोर्ट में चल रहा है। तो हाईकोर्ट वालों ने 6 महीने मीणाओं को पूजा करने को कहा, और 6 महीने मीणाओं को और 6 महीने नाइयों को पूजा करने का। मेला कब पड़ता है, वैशाख शुक्ल एकादशी को मेला पड़ता है, ठीक है, ठीक।